हम क्या चाहते हैं? नवीर हमारे कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। जमीने हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। जमीने हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। अजीत दुनिया होश में आओ, अजीत दुनिया होश में आओ, अजीत दुनिया होश में आओ। तरफ से जो है वो पूरी एसोसिएशन की तरफ से हमने एक पैगाम दिया है पूरी स्टेट में सब पंच और पीआरआई को, और अगर सरकार इस पे अमल करेगी तो हमें सड़कों पर निकलने की कोई जरूरत नहीं, अगर अमल नहीं करेगी तो हमें भी सड़कों पर उतारेगी, खुद भी उतरेगी। ये नाच अगर वो देखना चाहेगी तो ये भी वो कर लें, लेकिन हम अमन चाहते हैं और हमारे अमन के साथ जो है पुंछ रजौरी में खिलवाड़ ना किया जाए। ये बॉर्डर के इलाके के जो लोग हैं इनके लिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी में ये कानून बिल्कुल लागू मत किया जाए। यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पर ये अपना मेहनत मजदूरी करके जमीन में हल डाल के ये बड़ी बड़ी मालों के ऊपर, तो इनको आप नाजायज तंग कर रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, मैं इस सरकार का आदमी हूँ, मैं प्रधानमंत्री से भी और अमित शाह से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने जो बॉर्डर के इलाके के अंदर ये कानून लागू किया है, ये स्टेट लाइन क्या है, जो 100 साल से बैठा हुआ है वो क्या स्टेट लाइन जाती है? गवर्नमेंट का अधिकार पहली भी सरकारें थी, यहाँ पर उन्हें 12 साल जो स्टेट लाइन पर था उसके इंतकाल हो जाता था, उसके लिए उसको हुक दिए जाते थे, 94 के तहत दिए जाते थे, LBX में दिए जाते थे, 432 के इंतकाल में दिए जाते थे। हम ये पूर्ण अमन तरीके से हमारा पूरा मेंढर की तरफ से जितना जो है ये प्रोटेस्ट हुआ है, छोटा सा प्रोटेस्ट था हमारा, हम लोग आगे ही खुले हुए हैं कि हमने 65 भी देखा, 71 भी देखा, 1947 भी देखा, कुछ लोग इधर चले उधर गए, कोई इधर रह गए, तो हमने ये मिलिट्री भी देखी, तो मिलिट्री में बहुत सारे हमारे लोग जो है वो शहीद हुए, सिविलियन भी शहीद हुए, फौज में भी हमारे लोग थे जो वो भी हमारे लोग शहीद हुए, हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हम चाहते हैं सरकार हमारा वो नुकसान ना मत करे, हम आगे भी तबाह बर्बाद हुए हैं, हमारा कुछ भी नहीं रहा। वो ठीक कहा सरपंच साहब ने कि भाई हमें जो निरीगा थी वो भी बंद कर दी है, हमारे बेसिक जो है वो जो मजदूरी करते थे वो ही ख़त्म कर दी है, लिहाजा हमारी सरकार से अपील है कि जो ये काला कानून लाया है इसको ख़त्म करें।